Namaskar, friends, welcome to this press conference. Today's press conference is on a subject which touches everybody's life. Even in this digital era, one must have fond memories of philately or stamp collection. And still, many in the world, including in our country, pursue it as a hobby. As this is the least imposing hobby in the world, it can be practiced any hour of the day or night, and it can be as cheap or expensive as the collector wants. In order to increase the reach of philately, it has been decided to start a scholarship program for school children called Deendayal SPARSH. SPARSH stands for Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby. It is being launched today at Pan India level by Honorable Minister of Communications, Shri Manoj Sinha ji. A warm welcome to you, sir. I also welcome Shri A. N. Nanda, Secretary, Department of Post, Srimati Meera Handa, Director General, Department of Post, and Major General Meena Datta, Additional Director General, Department of Post. Today's press conference will go like this: opening remarks by secretaries. Then Honorable Minister will launch the scheme and give his opening remarks. After that, we will take a few questions. Over to Secretary. Honorable Minister of State for Communication, Independent Charge, Mr. Manoj Sinha ji, my colleague, Meera Handa, and Meena Datta, friends. आज हम डाक टिकटों का संग्रह के लिए कुछ करने जा रहे हैं. डाक टिकट की बिक्री डाक विभाग का एक विशेष कार्यकलाप है, क्योंकि डाक प्रेषण से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए डाक टिकट का इस्तेमाल अनिवार्य होता है. लेकिन विगत कुछ वर्षों से वस्तुओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ्रैंकिंग स्टैंपिंग किए जाने से इस कार्य में काफ़ी परिवर्तन आया है. विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए डाक टिकटों के साथ जुड़ी अपनी पहचान को कायम रखा है. सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रासंगिकता के विभिन्न विषयों पर आधारित बेहद खूबसूरत तथा रंग बिरंगे ये स्मारक डाक टिकट जन सामान्य के लिए फिलाटेली की पहचान है. विभाग फिलाटेली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. फिलाटेली एक ऐसा शौक है जिसके अंतर्गत डाक टिकटों का अध्ययन तथा संग्रहण शामिल है. विभाग विभिन्न योजनाओं के जरिए डाक टिकटों की इस अनूठी दुनिया को का प्रचार प्रसार करता है. ये डाक टिकटें बच्चों में जिज्ञासा की भावना की को जागृत करती है, ताकि वे इन डाक टिकटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा इस खजाने को संजोकर रख सकें. विभाग फिलाटेली से संबंधित सामग्री डाक टिकटों तथा अन्य उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से समय समय पर नवीन उत्पाद भी डिजाइन करता है. साथ ही छोटी आयु से ही स्कूली बच्चों में फिलाटेली के शौक बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन भी किया जाता है. वर्ष 2017 में अब तक माई स्टाम्प सहित कुल 147 डाक टिकटें जारी की जा चुकी है. नव वर्ष की शुभकामनाएँ. प्रकृति, भारत, भारत के शिरोवस्त्र, लेडी वार्ड, बीटल, विभिन्न योगों में यातायात का साधन, योगदा सत्संग, सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत छोड़ आंदोलन,
रामानुजाचार्य चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष, झालामाना रामायण तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण जन केंद्रित विषयों पर डाक टिकटें जारी की गई हैं। आज हम देशभर के लाखों बच्चों में फिलाटली की प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से माननीय मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में एक नई योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे एल्बम का अनावरण कर इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें तथा यहां उपस्थित सभी लोगों को इससे अवगत कराएं। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। सचिव डाक श्री नंदा, महानिदेशक श्रीमती हांडा, श्रीमती दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सभी बोर्ड के सदस्यगण, सीपीएमजी दिल्ली विभाग के सभी अधिकारी, देवियों सज्जनों, प्रेस के मित्रों, जैसा अभी डाक विभाग के सचिव श्री नंदा ने आपको बताया है कि फिलैटली के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो और दुनिया के बाकी देशों की तरह भारतीय डाक भी फिलैटली के माध्यम से राजस्व अर्जन, रेवेन्यू जनरेशन ठीक मात्रा में कर सके, इसके उद्देश्य से पिछले कुछ महीनों में, या मैं कहूं कि पिछले कुछ वर्षों में, डाक विभाग ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए। फिलैटली के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अनेक वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, नए किस्म के फिलैटली उत्पादों, जिनमें से कुछ का जिक्र अभी सचिव ने किया है, उनको भी तैयार किया गया है, और जो फिलैटली विद हैं उनके साथ संपर्क करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे संवाद बढ़ाना, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के साथ समझौते करना, और विश्वभर में जो फिलैटली की विरासत है इसके साथ भारत को जोड़ना, उसकी प्रदर्शनी लगा करके ये काम पिछले दिनों काफ़ी मात्रा में हुआ है। माई स्टाम्प जैसी नई एक योजना भी लेकर के विभाग आया है, जो धरोहर हमारी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर है देश में, चाहे वो ताजमहल हो, काशी के घाट हो, या अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ विभाग ने माई स्टैम्प योजना शुरू की है। दुनिया के दूसरे देशों को देखेंगे तो रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा माध्यम फिलैटली रहा है, हम उस मामले में अभी काफ़ी पीछे रहे हैं, और एक सराहनीय प्रयास विभाग ने शुरू किया है इन दिनों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इसका लाभ मिलेगा। जो लक्ष्य भी इस बार हमने तय किया है वो पिछले वर्षों की तुलना में महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। एक बात ध्यान में ये जरूर आई है कि जो बच्चे हैं उनमें कैसे अभिरुचि पैदा की जाए शुरू से ही, इस दृष्टि से कुछ प्रयास डाक विभाग को करना चाहिए, और शिक्षा की प्रक्रिया के जरिए फिलैटली को बढ़ाना, ये एक मुख्य उद्देश्य तय किया है विभाग ने, और पिछले दिनों भी कुछ कार्यक्रम हमने किए हैं। यहाँ एक संग्रहालय जो अपना डाक भवन है उसमें बनाया है, दुनिया से परिचित करवाने के लिए अनेक फिलैटली उत्पाद हम जगह जगह भेज रहे हैं, लगा रहे हैं, और प्रश्न मंच, कार्यशालाएं, पत्र लेखन, डाक टिकट की डिज़ाइन खुद विद्यार्थी बनाए, इस तरह के अनेक प्रयास हमने किए हैं। अब ये जो रुचि है अनेक लोगों को देश में है डाक टिकट जमा करने की, ये ज्ञानवर्धक भी है, शिक्षाप्रद भी है, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर समय समय पर डाक टिकट जारी होता रहा है।
और बच्चों की अभिरुचि यदि बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से इन विषयों का सम्यक ज्ञान देश में या दुनिया भर में होने वाली घटनाओं और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी वो जान सकेंगे। इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए गए। कई लोगों के मनोरंजन का भी ये साधन है, बोरियत ना हो इसके लिए भी लोग फिलेटली में रुचि लेने लगे, तो खाली समय में दिन भर पत्रकारिता के बाद थोड़ा फिलेटली में भी लोग लगें तो मुझे लगता है कि तनाव मुक्त हो जाएंगे। आज की जो योजना आरंभ होने वाली है उसका विवरण दूं उसके पूर्व मुझे लगता है कि पहले भी बच्चों को जोड़ने के लिए कुछ काम विभाग ने किया है। पिछले दिनों ढाई आखर नाम से एक निबंध प्रतियोगिता, जिसमें इस बार का विषय प्रिय बापू आप मेरे प्रेरणा स्वरूप हैं, आयोजित की गई और बड़े हर्ष का विषय कि भारी मात्रा में इसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब पत्र लेखन की परंपरा वैसे तो समाप्त होती जा रही है, लेकिन अगर स्वतंत्रता आंदोलन या उसके पहले के इतिहास को हम देखें तो अनेक महत्वपूर्ण राजनेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने, अनेक लोगों ने ऐसे पत्र लिखे हैं जिसे मैं कह सकता हूं कि आज भी उससे प्रेरणा मिलती है, लोग धरोहर के रूप में देखते हैं। वो प्रवृत्ति पुनः जागृत हो इस तरह की अनूठी पहल करने का एक प्रयास विभाग ने किया है और मुझे लगता है कि आधुनिक संवाद के माध्यम या संचार के माध्यम जितनी तेजी से बढ़ें लेकिन मैत्री प्रेम भाव इन सब चीज़ों की अभिव्यक्ति जो पत्र के द्वारा की जा सकती है लेखन के द्वारा, उस तरह की अभिव्यक्ति का कोई दूसरा सशक्त माध्यम मुझे नहीं लगता है कि अभी तक तकनीक ने बना पाया है। और पिछला जो आयोजन हुआ था करीब 5 लाख बच्चों ने भाग लिया और 15 अगस्त तक 2 माह तक चले इस कार्यक्रम का समापन 15 अगस्त को हुआ और 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में उन बच्चों को बुला करके पुरस्कृत करने का काम किया गया, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। उसी दिशा में और काम बढ़ाने, इस क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास विभाग कर रहा है। कई महान नेताओं और विभिन्न संगठनों के अग्रणी व्यक्तियों के लिखे पत्र मुझे लगता है कि भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। 50 वर्षों से बाल दिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को देश मनाता है, तो उस दिन डाक टिकट की डिज़ाइन प्रतियोगिता पिछले 50 वर्षों से डाक विभाग आयोजित करता रहा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि केवल ये प्रदर्शनी आयोजित की जाए, इससे थोड़ा आगे बढ़ा जाए, विद्यार्थियों में अभिरुचि पैदा हो, इसके लिए उन्हें एक अच्छी राशि की छात्रवृत्ति भी दी जाए। जो बच्चे फिलेटली में रुचि रखते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए दीनदयाल स्पर्श, दीनदयाल जी का शताब्दी वर्ष है इसलिए दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति की आज अभी आप घोषणा हम लोग कर रहे हैं और उसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। इसमें डाक विभाग की एक नवीन पहल भी कह सकते हैं और शौक के रूप में जो फिलेटली बच्चे जारी रखना चाहते हैं, 920 विद्यार्थियों को देश भर में हम 500 रुपये प्रतिमाह मैंने एक वर्ष में 6000 रुपया की छात्रवृत्ति देश भर में देंगे और एक सर्किल में अधिकतम वो 40 की संख्या होगी और मुख्य रूप से कक्षा 6, 7, 8 और 9 ये 4, 6, 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी और ये चयन एक वर्ष के लिए किया जाएगा। वेबसाइट पर उसका पूरा विवरण उपलब्ध है और जिसको भी उस बारे में जानकारी चाहिए वो वेबसाइट से ले सकता है। मुझे लगता है कि हर सर्किल में 6, 7, 8, 9 मैंने हर क्लास के लिए अधिकतम 10 स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया है और ये एक नया प्रयोग है। इस प्रयोग की सफलता की हम कामना करते हैं। अभी तक जो मुझे बताया गया है कि 2000 से ऊपर प्रविष्टियाँ आई हैं और उनमें से जिनको पुरस्कृत किया जाएगा 14 नवंबर को उनको सम्मानित भी आगे बुला करके
यहाँ हम सब करेंगे या विभिन्न स्थानों पर उनको सम्मानित किया जाए ये व्यवस्था हम बनाएंगे। तो ये एक नई पहल है और मुझे लगता है कि एक ऐसी अवस्था है 12-14 वर्ष की, इस अवस्था में अगर अभिरुचि पैदा हो गई फिलेटली के प्रति, डाक टिकट के संग्रहण के प्रति, उस इतिहास के प्रति, तो शैक्षिक दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण होगा और डाक विभाग के राजस्व की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। अगर इसमें कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारे लोग हैं जो बताएंगे। एक बात मैं भूल गया, ई पोस्ट ऑफिस और ई कॉमर्स के जरिए भी अब ये व्यवस्था कर दी गई है, फिलेटली उत्पाद उसके जरिए भी उपलब्ध हैं और मोबाइल एप्लीकेशन भी उसके लिए बनाया हुआ है एंड्रॉयड वर्जन पर और वो ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर और दो जो हमारी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं उनके यहाँ भी उपलब्धता है। तो इस दृष्टि से विभाग प्रयास कर रहा है कि इसके विस्तार को और आयाम, बड़ा आयाम दिया जा सके। नाउ क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। एक तो न्यूनतम अंक उसको अपने पूर्व की कक्षा में 60% पाना चाहिए और उसकी रुचि फिलेटली में हो। कुछ विद्यालय हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण उसमें कराया हुआ है, जो विद्यालय पंजीकरण नहीं कराए हैं अगर विद्यार्थी ने स्वयं पंजीकरण कराया तो वो भी अहर होगा। ये लास्ट डेट खत्म हो गई 30-30। ये जो 14 नवंबर वाला वो खत्म हो गया, तो स्कॉलरशिप तो अब देने जा रहे हैं, आज अनाउंस किए हैं, तो अब वो विज्ञापन निकालेंगे, लोग अप्लाई करेंगे और अब सर्किल वाइज हम तय करेंगे। ये वाली कब से शुरू होगी, कब से, मतलब ये वाला जो 14 नवंबर इसमें एलिजिबल नहीं है? इस वर्ष ये शुरू हो गई, अब इसका विज्ञापन निकल जाएगा कि लोग आवेदन दें विभिन्न सर्किलों में। सर्किल स्तर पर हमारी कमेटी होगी, जो तय किए गए हैं मानक, उस मानक के अनुरूप हर सर्किल में 6, 7, 8, 9 के लिए 10-10 स्कॉलरशिप तय की जाएंगी। पोस्ट ऑफिसेस किस लेवल तक जाएंगे? स्टेट कैपिटल तक लिमिटेड रहेगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाएगा, रूरल एरिया में जाएगा? सर्किल माने स्टेट हो गया, सर्किल का मतलब पोस्ट ऑफिस में स्टेट होता है। एक विद्यार्थी को एक वर्ष अभी हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ष भी वो अप्लाई कर सकता है, ये कोई रोक नहीं है। हर वर्ष एक वर्ष के लिए चयन करेंगे और एक वर्ष देंगे, हर साल चयन होगा। सर, मैं पारुल मंदा, आईसीटी फ्लैश से। जो आजकल लेटर्स का ट्रेंड कम हो गया और मोबाइल ज़्यादा है, तो जो पोस्ट ऑफिस का जो लैंड है उसका कोई कमर्शियल यूज़ है या कोई टाइप? आवाज़ आपकी सुनाई नहीं पड़ रही है, जरा थोड़ा दूर करके बोलिए। सर, जो लेटर्स आजकल कम हो गए हैं और मोबाइल की कनेक्टिविटी ज़्यादा, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ लेटर कम हो गया है, मोबाइल से ज़्यादा काम हो रहा है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो लैंड है उसका कोई कमर्शियल यूज हो रहा है या किसी के साथ टाई अप? कमर्शियल यूज हो रहा है पोस्टल लैंड का? हाँ जी। नहीं, कमर्शियल यूज करने की जरूरत नहीं, हमारे पास काम बहुत बढ़ गया है। अब हम लोगों को पासपोर्ट भी दे रहे हैं, मी कॉमर्स के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आधार इनरोलमेंट का काम हम कर रहे हैं, तो समय के साथ पोस्ट ऑफिस के कलेवर को हमने बदला है, पोस्ट पेमेंट बैंक लेकर के हम आ रहे हैं और मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम पोस्टल डिपार्टमेंट के पास ही होगा कि 1,55,000 ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ बैंकिंग सेवा हम शुरू कर सकें। सर, ये कब से स्टार्ट होगा? नहीं, ये स्टार्ट दो बैंक हमारे रांची और रायपुर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल माह में 650 जनपद केंद्रों पर पोस्ट पेमेंट बैंक हम शुरू करेंगे, जो सभी ग्रामीण डाकघरों से जुड़े हुए होंगे। वो संख्या लगभग 1,55,000 होगी। स्कॉलरशिप की राशि क्या होगी और कितने बच्चों को दिया जाएगा पूरे देश भर में? स्कॉलरशिप की राशि क्या होगी, राशि बच्चों को जो प्राप्त होगा? सुना नहीं आपने, कहीं और ध्यान था आपका। मैंने बताया 500 रुपया प्रतिमाह, 6,000 रुपया सालाना, और कितने बच्चों को? 500 पर मंथ, 6,000 पर एनम पर स्टूडेंट।
आर्मी डास्क मार्म्ड फोर्सेस डाक सर्विसेज से है, मैम बैठी हुई हैं, क्या लेटर्स की संख्या जो आर्मी पोस्टल सर्विस में है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या है स्टेटस, आप बता सकेंगे प्लीज? इज आस्किंग कि लेटर पहले जितने जाते थे दो साल में, ओके आई विल स्पीक रिपीट इन इंग्लिश, द लेटर्स पोस्टेड थ्रू द आर्मी पोस्टल सर्विसेज, हैव द नंबर्स ऑफ लेटर्स गॉन डाउन इन लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स और हैव दे गॉन अप? यू आर आस्किंग अबाउट आर्म्ड फोर्सेस और जनरल लेटर्स? आर्म्ड फोर्सेस, इन द आर्म्ड फोर्सेस दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक तो जो आर्मी की ऑफिशियल मेल है जिसको कि हम शेड्यूल्ड डिस्पैच सर्विस बोलते हैं, जो कि सिक्योरिटी फॉर्म आप लोगों ने 56 APO और 99 APO के एड्रेसेस सुने होंगे, जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि चिट्ठी एक्चुअली कहाँ जा रही है, सिर्फ 56 APO लिखा जाता है, 99 APO यूनिट का नाम। उन चिट्ठियों की तादाद में कोई कमी नहीं, इनफैक्ट ऑफिशियल लेटर्स जो आर्मी के हैं, जो यूनिट टू दूसरे यूनिट या फॉर्मेशंस के अंदर हैं, वो उनकी तादाद में कोई कमी नहीं आई है, और बाकी जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसका वही परसेंटेज है जैसा कि एक क्रॉस सेक्शन पूरे देश का है। धन्यवाद, दे दिया जाए आप लोगों को, चाय का इंतजाम है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन इधर से, सर वीरेंद्र सैनी जनभावन से। सर सर ये 100 करोड़ की जनसंख्या में 920 बच्चों की संख्या कुछ ज्यादा नहीं है सर? क्या इस तरह रखा गया सर इनको चयन करने का, सिर्फ 920 बच्चे एक साल में 14 तारीख को होंगे सर? तो इसका मतलब शुरू ना किया जाए? नहीं शुरू किया जाए सर, कम से कम इसकी संख्या कम से 5000 होना चाहिए सर। 500 रुपए आप दे रहे हैं, मात्र 500 रुपए, मजाक नहीं है सर ये? संसाधन डाक विभाग के पास सीमित है। अब हमारा जिस तरह से व्यवसाय बढ़ रहा है, आने वाले समय में जो आपकी इच्छा है उसका समादर करते हुए इसकी संख्या हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, और आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा आने वाले वर्षों में बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी चाय पर आमंत्रित हैं, 4th फ्लोर पर।